सर बोर्ड इज ब्लर। जस्ट अ मिनट। Is it okay now? Yes, sir. ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NPX। ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन विद x 1 टू 6 राइट। थर्ड वन डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल देन इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली जिस भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं वो हो जाएगा। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
except some elements of group 3 which are inner transition elements in lanthanoids or actinoids कहा जाता है, वो F block में count हो. Group 3 में वो 14 के जो sets हैं, clear? Especially 4D series, 5D series जब start होती वहाँ पर वो F block elements में count. इनका जो configuration होगा वो होगा n माइनस वन डी एक्स. एक्स का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा? 1 to 10. ns टू np6. अगेन एक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें अभी एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा, जस्ट अभी के लिए लिखना है और याद रखना. देखो लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट्स, इसमें जो लेंथेनम और एक्टिनियम फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर नॉट एफ ब्लॉक. लेंथेनाइट्स में लेंथेनम काउंट होता है बट एफ ब्लॉक में वो काउंट नहीं होगा. एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होंगे. या 4f सीरीज 14, 5f सीरीज 14, इज दैट ओके? कॉन्फ़िगरेशन अगेन
थोड़ा सा और टाइम दो, मतलब अभी के लिए सिर्फ लिखना है, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका बाद में आएगा। Excuse me, sir. कॉपी कर लिया सभी ने? सर? यस सर, मोहित सर ने जो सिखाया है उसके लिए सेपरेट नोटबुक बनानी है क्या? हाँ, टीचर्स का सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि तुम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चैप्टर है, सब एक के बाद एक मिक्स नहीं कर पाओगे ना। और वैसे भी ऐसा नहीं कि चलो उनका एक ही नोटबुक बनेगा और वो खाली रह जाएगा तो हम दूसरा भी इसमें लिख लेंगे, क्योंकि एक एक टीचर के ऑलमोस्ट तीन तीन चार चार नोटबुक बन जाएंगे तुम्हारे, राइट? ओके सर। देखो फर्दर, ये थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, दे आर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चालकोजंस, हैलोजंस, नोबल गैसेस, राइट? अब आते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12। ग्रुप 3 से ग्रुप 12, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट दिस 14+14 एलिमेंट्स, जहां पे एलए लिखा है ना, दिस इज लेंथेनम। लेंथेनम पे, लेंथेनम के अलावा 14 एलिमेंट्स और होते हैं जिन्हें 4F सीरीज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। सीरियम टू ल्यूटेटियम, एटॉमिक नंबर 58 टू एटॉमिक नंबर 71, सो सीरियम टू ल्यूटेटियम दे आर प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ लेंथेनम। तो लेंथेनम खुद तो है 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब टोटल 15 एलिमेंट्स प्लेस्ड है वन पोजिशन पर, क्लियर? So actinium par again thorium 90 to lawrencium 103, this 14 elements are placed, इसे इन्हें कहा जाता है actinium, actinoids, is that okay? ये A block होते हैं। So 3 से 12 के बीच में सिर्फ इन दोनों 14+14 28 elements को हटा दिया जाए, all are D block elements, और ये दोनों जो हैं A block elements, cerium to lutetium, thorium to lawrencium, क्या इतना clear है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा तुम ऊपर जो प्रॉपर्टीज दे रखी है उस पर भी फोकस कर सकते हो एक बार। अल्कली मेटल्स, कलर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कौन से ब्लॉक एलिमेंट में आ रहे हैं? कौन से ब्लॉक है एसपीडीएफ में? ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। कुछ एलिमेंट छोड़ दिशा में,
do we have some elements in D block which are not counted as transition elements? Yes, sir. कलर देखो और बताओ कौन से तीन एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन में काम नहीं कर रखे हैं. स्कैंडियम, एट्रियम एंड लेंथेनम ग्रुप थ्री वाले ट्रांजिशन में काम नहीं कर रखे. क्लियर? और इसका भी एक्सप्लेनेशन बाद में आएगा क्यों ट्रांजिशन में काउंट नहीं होते. देन मेटल्स का कलर, तो मेटल्स देख सकते हो पी ब्लॉक में दो टाइप के मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स जो वॉयलेट कलर के हैं, अदर मेटल्स जो एल्यूमिनियम गैलियम ये सारे हैं पी ब्लॉक. क्लियर? हैलोजन्स, नोबल गैसेस, रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी येलो कलर से वो रेयर अर्थ एलिमेंट है, काफी कम नोन होते हैं. और एक्टिनॉइड एलिमेंट्स वो रेडियो एक्टिव है सारे. चलो ये टेबल क्लियर है सभी को? Yes. तुम यहां पे भी देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है. ये अगेन हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, जस्ट यहाँ पे यूज आया है. ग्रुप वन लिखा है ना 2s1 2s2, याद है हमने लिखा था इस ब्लॉक में ns1 या ns2 होगा. n इज नंबर 2 3 4, s पर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स. d में हमने लिखा था n-1 d1 to 10. अगेन ये अभी बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग के बाद ही आएगा, बट जस्ट इसके बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में डी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके okay. अच्छा मुझे थोड़ा सा बताओ जो मोहित सर ने क्या क्या स्टार्ट किया था तुम्हारा, मतलब क्या हो चुका है? एक लेक्चर हुए, दो लेक्चर हुए? दो लेक्चर. क्या हुआ सर? वी रीस्टार्ट रदरफोर्ड मॉडल. एक बोलो, फिर से बोलो. Discovery of subatomic particles and atomic model of Rutherford. हमने conclusion भी लिखा था. ठीक है, history वगैरह हो गया, basic हो गया है. Okay, चलो समझ में आ रहा है atomic structure? हाँ sir, आ रहा है. Yes sir. ठीक. Okay, next class में मैं इसके आगे continue करता हूँ. ऑलरेडी टाइम थोड़ा ही बचा है, बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करूंगा भी तो बहुत ज्यादा सेंस बनेगा नहीं. ठीक है, वी हैव वन मोर लेक्चर इन दिस वीक, राइट? यस सर. ओके चलो.